हाय एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप दोस्तों, ये है मेरे पास एक्सेल बोर्ड है दोस्तों। ये बहुत पुराना हो चुका है और इसके अंदर का जो वायरिंग है ना, शायद ये लूज हो गया, क्योंकि ये चालू होता है और बंद हो रहा है, मतलब चालू हो रहा है बंद हो रहा है, शायद लूज कनेक्शन रह गया इसके अंदर। ये रॉयल कंपनी का है, अभी तक तो एक 1.5 साल हो गया इस बोर्ड को, तो 1.5 साल के पहले उतना प्रॉब्लम तो हुआ नहीं था, इसकी वजह से अभी देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम। मतलब क्या था, अगर मैं ड्रिल मशीन इसके ऊपर चालू करूँ ना तो चालू होता है और फिर बंद हो जाता है, शायद इसके अंदर वायर तो जुड़ गया होगा इसके अंदर का, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी तक इसको ओपन नहीं किया, यहाँ से इसको 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड से बोर्ड को मैं ओपन किया, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग खोलेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको सबसे पहले ये 5 स्क्रू इसको ओपन कर लीजिए। इस तरह से इसको आपको ये ओपन कर देना है, एक स्क्रू ओपन हो गया, इसको भी ओपन। इसको भी आपको ये ओपन करना है, इसको दोस्तों ये टोटल 5 स्क्रू है, 5 स्क्रू को आपको इसको खोल देना है। खोलने के बाद सबसे पहले ये स्क्रू को आप एक साइड में रख दीजिए इस तरह से। अभी तो फिलहाल 3 स्क्रू आ गए हैं, 2 स्क्रू आना बाकी है। इसको भी दोस्तों दोस्तों ये सब स्क्रू मैंने निकाल दिया, उसके बाद ये है ना, इसको भी ये लॉक रहते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको ये लॉक करना है, इसको भी ओपन कर देना। लॉक को साइड में रख दीजिए आप, उसके बाद इसको खोल दीजिए इसके अंदर। ये इसको अभी बोर्ड को ओपन कर दिया मैंने, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो इसके अंदर का कचरा रहेगा ना, तो जितना हो सके उसको आप इतना साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से, जितना हो सके आपके लिए साफ। इसको भी फिलहाल साइड में रख देते हैं, मैं इसको साफ कर जितना दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप साफ रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं बोर्ड ना, वो अंदर से क्लीन रहेगा। सूखा कपड़े से आप इसको साफ करो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए हमारा मेन बोर्ड। सबसे पहले जो वायर है ना, उसको वायर को निकाल देता हूँ मैं, वायर को पहले साइड में रख देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये लूज होता था, ये देखो ये उसका ऊपर का कवर है दोस्तों, ऊपर का कवर को साइड में रख देता हूँ। उसके बाद इसको देख लेता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये इसका वायर है, क्या हो जाता है ये लूज कनेक्शन होने की वजह से, और अभी ये पुराना हो गया ना बोर्ड, तो कभी कभी क्या हो जाए, ये देखो इसके अंदर अभी ये कार्बन हो गया, ये पूरा काला हो गया, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी वायर जो होता है ना दोस्तों, बहुत पुराना होने के बाद उसको कार्बन हो जाता है, उसका जो कनेक्शन है ना वो फिर से नहीं आता, तो क्या करना है ये देखो, तो फिर से इसको कट करके ये देखो
ये जो है ना इस तरह से रहना चाहिए। ये देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, कार्बन हो जाता है वायर को ना, इसके वजह से कभी कभी उतना कंप्लीट नहीं होता है इस पार्क में। कार्बन जब वायर को कार्बन रहता है ना, तो उसके बाद सबसे पहले आपको निकाल देना चाहिए कार्बन। कार्बन को निकाल दिए, एक डेढ़ साल तो हो गया ये बोर्ड को, इसके वजह से वो कार्बन इसको भी। ये देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हो ना, ये देख लीजिए ये ख़राब हो गया, ये पूरे तरीके से। ये वायर को भी दोस्तों मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इसको भी कार्बन हुआ होगा, मुझे पता रहेगा ये, क्योंकि इसका स्क्रू इतना, ये स्क्रू भी इतना उसका। अगर दोस्तों ये जो ऐसा स्क्रू है ना घूम रहा होगा, तो आपको क्या करना है, पकड़ से उसको ऐसे पकड़ना है, उसके बाद इसको ये दोस्तों ये पूरी तरीके से ये पकड़ से निकालने की भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं निकल रहा है। उससे क्या करें, अभी इसको इस तरह से स्ट्रिपर को ले लीजिए आप, और ये भी इस तरह से आपको ये निकालना है। मेहनत करना पड़ा दोस्तों, पर फिर भी ये निकल गया। ये कार्बन की वजह से दोस्तों ये हो रहा था, क्या होता था, चालू होता था बंद होता था। ये देखो दोस्तों दिख रहा है आपको, ये देखो दोस्तों ये कार्बन की वजह से ये हो रहा था। इसको पर मैं फिर कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद फिर से वायर को निकाल दो। ये देखो दोस्तों वायर को निकालने के बाद ये जो वायर है ना उसको ऐसे ही रहे। ये कार्बन का ही दोस्तों प्रॉब्लम था, और इतना प्रॉब्लम है ना कार्बन का ही इसका प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये तो डायरेक्ट शोल्डरिंग है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे शोल्डरिंग किया है, यहाँ पे शोल्डरिंग है, ये सब शोल्डरिंग है। इसको ये कोई नहीं करना, ये इसको भी इस तरह से टाइट कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी इसको मैं सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, मतलब इसके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना उसको, तो समझ में आ जाएगा। सीरीज टेस्ट लैंप दोस्तों, सिर्फ टेस्ट लैंप लिया है मैंने, ये देख लीजिए। सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर इसको चेक किया दोस्तों, ये सीरीज टेस्ट लैंप के ऊपर ये सही है, ये देखना पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तो सही है इसके अंदर, क्या कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले देख लीजिए आप ये जो है ना, ये जो वायर है ना वो आपको इसके अंदर रख, बाहर रखेंगे तो चल जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से ऐसे रखेंगे, हाँ ये इस तरह से हो जाएगा, ये शायद इस तरह से।
देख लीजिए आप, लिखा आपने इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद आपको इसके बाद ये लिख लो दोस्तों, दोस्तों ये नीचे का हिस्सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखिए, इसको बाद इसको भी थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं दोस्तों। ये अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना है, क्योंकि पुराना रहेगा तो भी वो कस्टमर को अच्छी तरीके से साफ़ करके देना है दोस्तों, याद रखिए। इसको ये देख लीजिए आप, इसको यहाँ पे इस तरह से आपको इसके रखने के बाद ये जो वायर है ना, ये वायर ये यहाँ से आपको निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो है ना एक राउंड यहाँ पे लगा दीजिए आप, और इस तरह से आपको ये लगाना है। उसके बाद ऊपर कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये इसके बैक साइड है, एक बार देख लीजिए ये यहाँ पे ये इस तरह से ये लग जाएगा, देख लिया आपने ये इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद इसका स्क्रू आपको लगाना है, उसके बाद इसको इसके बाद ये स्क्रू आपको ये लगाना है। दोस्तों पहले स्क्रू सब एक साथ लगा के लो, सबसे पहले एक स्क्रू का आपको ही लगा देना है। इसको भी आप टाइट करके ये देख लीजिए। उसके बाद ये जो लॉक है ना, ये दोस्तों लॉक इसको यहाँ पे लगा, इस तरह से आपको ये लॉक लगा देना है, इस तरह से ये लॉक को लगा। इसके अंदर जो सब ये गंदगी है तो निकाल देते हैं दोस्तों। याद रखिए, अगर आपने किसी का बोर्ड अच्छे से रिपेयर कर दिया ना, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके दो कस्टमर को, जितना आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके दोगे ना, उतना वो कस्टमर खुश रहेगा, क्योंकि वो जितना आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके दें। अभी दोस्तों इसको चेक कर लेते एक बार, चेक कर लेता दोस्तों। ये देख लीजिए, मैंने ड्रिल मशीन तो नहीं लगाया है, पर ये एक रेड कलर का बल्ब मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा एक सिम बोर्ड सही है क्या नहीं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बोर्ड तो चालू है, क्योंकि ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये बोर्ड दोस्तों चालू है, देख सकते हैं आप। ये सॉकेट को चेक कर लेते हैं, तो ये भी सॉकेट सही है, इसको इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो तो ये भी बोर्ड सही है हमारा, दोस्तों इसके मतलब इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर का जो वायरिंग था ना, उसको कार्बन हो गया था दोस्तों, इसके वजह से ये चल नहीं रहा।
तो दोस्तों फिलहाल तो ये हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है। देखा दोस्तों ये बोर्ड के अंदर नॉर्मल से प्रॉब्लम था, क्योंकि इसके अंदर का जो वायरिंग था ना उसको कार्बन हो गया था, एक डेढ़ साल हो गया था, इसकी वजह से ये वायरिंग पूरी तरीके से उनके क्या होता है, मतलब वो ख़राब तो नहीं हुआ था वायरिंग, पर क्या होता है कभी कभी वो कार्बन हो जाता है, कार्बन होने की वजह से वो आगे का कनेक्शन नहीं हो गया, इसकी वजह से वो कार्बन हो गया। तो बोर्ड तो ये रेडी हो चुका है दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए। बोर्ड को रिपेयर करना ईजी है दोस्तों, इतना डिफिकल्ट है नहीं। और ये आपको वीडियो है ना वो तो पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से स्किप करके मत देखिए, पूरा कंप्लीट करके देखिएगा अपना, तो ये आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।